की खोलता हूँ भाई। गाड़ी की कंडीशन तो भाई वेल बेटर है, एकदम बढ़िया लग रहा है। 2016 मॉडल पीछे से यार कुछ इस तरह से कंडीशन है इसकी, मानना पड़ेगा। स्पेस में तो यार बहुत बढ़िया है। गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, बाकी देखते हैं इसकी राइड मारते हैं, देखते हैं यार इंजन किस तरह का है इसका। 2070 में यार डीजल वाली गाड़ी मिल गई, वो भी 3 साल इसके रह रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। यार जो भाई यार आप, मैं आपको यार मोबिलियो का रिव्यू दिखाऊंगा यार, मोबिलियो का रिव्यू यार देखेंगे किस तरह से है यार। ये लुक आ रहा है मोबिलियो का, मतलब मेरे फ्रेंड ने लिया ये, तो भाई उससे रिव्यू जानते हैं थोड़ा सा यार, क्या मतलब इसमें क्या ठीक लगा और कितने की ली उसने और क्या मॉडल है। तो सचिन भाई, भाई ऑडियंस को बता दो क्या मॉडल है और क्या मतलब कितने की ली और क्या इसमें मतलब चलने में ठीक ठाक है सस्पेंशन वगैरह। ओके रिपोर्ट, हाँ ओके रिपोर्ट है। अच्छा तो ये ली कितने की है? हाँ भैया ये है अपनी 2016 मॉडल। अच्छा तो 2016 मॉडल है, बाकी यार तुम देख सकते हो इस तरह से कंडीशन है इसकी। बाकी तो भाई इसको खोल के दिखाएंगे अंदर से, आप रिव्यू दे देंगे। तो भाई ये लॉक खोलेगा यार, ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं यार किस तरह से इसका लॉक हो गया। मतलब यार पुरानी गाड़ी है ना, तो इसकी डबल चाबी नहीं होगी, सिंगल ही चाबी थी, तो सिंगल चाबी से अब लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा यार। खुल गया भाई, खुल गया, खुल गया लॉक, खुल गया भाई। तो भाई गाड़ी खुल गई है, बाकी यार आपको अंदर से भी इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ गाड़ी की कुछ। भाई गाड़ी की कंडीशन तो भाई वेल बेटर है, एकदम बढ़िया लग रही है कंडीशन गाड़ी की। ये मोबिलो है यार, और अंदर से भी यार बढ़िया है, मतलब होंडा, मतलब होंडा का ओरिजिनल लगा हुआ है इसमें स्टीरियो, बाकी स्पीकर वगैरह भी ओरिजिनल लग रहे हैं। पीछे भी लेग स्पेस अच्छा दे रखा है इसमें यार, मतलब 7 सीटर कार है ये, मतलब अर्टिगा के टक्कर की है ये, देख लो लेग स्पेस भी इसमें बढ़िया दे रखा है। और ये बॉटल का रखने का हैंड ओवर। पीछे से यार कुछ इस तरह से कंडीशन है इसकी, मतलब सिलेंडर वगैरह की, अगर CNG होती तो यहाँ पे सिलेंडर आ रहा था इसके नीचे की साइड, बाकी ये डीजल है तो इसमें सिलेंडर नहीं है। और इसकी जो सीट है वो ऊपर की साइड फोल्ड हो रहती है। भाई करके दिखाना, एक मिनट डाउन करके दिखाना, इसकी सीट डाउन करना एक मिनट। ये ऐसे इस तरह से सीट जो है डाउन हो जाती है, इसको पूरी तरह से ओपन करना हो तो यहाँ से पुश कर दोगे इसको, तो यहाँ से हाँ ऐसे करके पुश कर दोगे तो ये बाहर आ जाती है। बाकी बूट स्पेस भी अच्छा दे के रखा है, कम से कम नहीं तो इसमें 100 कितना बूट स्पेस होगा भाई इसमें, दो ब्रीफकेस बड़े, हाँ बड़े बड़े दो ब्रीफकेस आ सकते हैं। और उसके बाद अब छोटा सामान भी अगर डिग्गी बंद कर दे तो ऊपर की साइड से आप रख सकते हो, मतलब यार इतने में तो यार बेस्ट है गाड़ी। बाकी यार इसको चला के देखते हैं, फिर उसको रिव्यू बताते हैं कि इंजन में कितनी जान है। देखो यार स्पेस तो गाड़ी में है, मानना पड़ेगा स्पेस में तो यार बहुत बढ़िया है। दो बंदे जा रहे हैं, 3 बंदे जा रहे हैं, तो उनका लगेज ज़्यादा है, तो वो ऊपर की जगह यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगह है। यहाँ पे जो है बूट स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा है, अगर आप सीट फोल्ड कर देते हो तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा दे रखा। आके देखते हैं चलाने के बाद आपको रिव्यू दूंगा यार किस तरह का इसका रिव्यू है। गाड़ी वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, बाकी देखते हैं इसकी राइड मारते हैं, देखते हैं यार इंजन किस तरह का है इसका। बाकी सस्पेंशन वगैरह मुझे तो नहीं लगता ठीक होंगे, आगे देखते हैं तो आपको बताते हैं। तो भाई गाड़ी कुछ इस तरह से है कि यार इसके इंजन के साउंड से पता लग रहा है कि यार पुरानी गाड़ी है, क्योंकि डीजल वाली जो गाड़ी है वो यार मतलब साउंड देती है, इंजन का तो इतना साउंड आता ही है डीजल वाली। थोड़ा सा बाहर निकालो गाड़ी, बाहर निकाल के देखते हैं यार किस तरह का इसका रिव्यू हो, बाकी मैं भी चला के देखूंगा गाड़ी में। तो भाई कह रहे हैं यार जान बहुत है गाड़ी में, बाकी जिस तरह से गाड़ी चल रही है मुझे लग नहीं रहा, मतलब 1500 cc इंजन ले रही है, तो इसका 1500 cc इंजन है। बाकी देखते हैं यार, मैं भी चला के देखता हूँ इसको, ये देखो क्या लोड ले रही है क्या नहीं ले रही। बाकी यार इतने में यार 2070 में तो यार बहुत बढ़िया गाड़ी मिली है यार इनको, तो 2070 में यार क्या मिलता है यार। वैगनआर भी अगर आप सेकंड हैंड लोगे ना तो 2070 में ही मिलेगी आपको गाड़ी। अभी मैंने पकड़ लिया, बाकी चला के देखता हूँ यार किस तरह की है। मतलब यार मुझे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ यार, मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि 2070 में यार डीजल वाली गाड़ी मिल गई, वो भी 3 साल इसके रह रहे हैं। बाकी पिकअप देखते हैं इसका कैसा कर रहा है कैसा नहीं। सस्पेंशन के मामले में तो एक नंबर गाड़ी है, सस्पेंशन के मामले में आप बोलूंगा कि यार बढ़िया बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि सस्पेंशन इसका मेन होता है, क्योंकि होंडाई की जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं ना वो जल्दी खड़क जाते हैं। बाकी देखते हैं यार इस गाड़ी में, तो यार मुझे मजा आ गया, मतलब यार 2070 में ये गाड़ी इनफ है यार, मतलब बेस्ट चीज मिल गई भाई संदीप को, सचिन भाई को। बाकी यार इसका मैं तो तुम्हें कहूंगा, अगर यार तुम इस तरह की गाड़ी ले रहे हो, अगर तुम इस तरह की, अगर भाई अब इस तरह की गाड़ी ले रहे हो ना, तो यार बढ़िया है, क्योंकि यार 2070 में तो यार वैगनआर भी नहीं आती, और इनको मोबिलो मिल गई, वो भी 7 सीटर। तो भाई बढ़िया रिव्यू रहा गाड़ी का, बहुत बढ़िया गाड़ी है। बाकी सचिन भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस यार आपको, ठीक है धन्यवाद भाई। नेक्स्ट वीडियो करेंगे यार, आपको इस तरह की वीडियो अगर अच्छी लगती है तो यार प्लीज़ कमेंट करना।
कौन सी गाड़ी पे नया रिव्यू बनाऊँ, तो आप जो भी कमेंट करोगे मैं उस गाड़ी पे रिव्यू बनाऊंगा और ढंग से देखूंगा। तो यार जिसने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो।